सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत ही पूरे विश्व में विषम परिस्थितियां हैं, वैसी हमारे भारत में भी है। तेजी से ये बीमारी कोरोना वायरस जो है तेजी से बढ़ रहा है और हम सबको अपनी चपेट में ले रहा है। तो मैं आप सब से अपील करना चाहूंगी कि जैसे शासन के निर्देश हो रहे हैं कि बिल्कुल बार बार हम हाथ धोएं, घर से बाहर ना निकले, हम किसी को भी छुए नहीं, बाहर मास्क पहन कर जाए, तो इन सभी निर्देशों का हम सही पालन करें। और जो जनता कर्फ्यू है जो कल लगा था वो हमको अपने ऊपर लागू करना है, और कहीं ना कहीं 31 मार्च तक अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना, और जो लोग बाहर निकले हैं उनको भी हमको मना करना है। और हमारे जो हितग्राही हैं जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके सबके हमारे पास फ़ोन नंबर्स होते हैं, तो उनको भी हमको बताना है, फ़ोन करके उनको जागरूक करना है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें और घर ही में रहें। और जो भी जरूरत के जो भी सामान है, यदि कोई भी एक घर से बाहर जाता है तो बिल्कुल बकायदा उनके लिए घर के बाहर पानी रखें और उनको अच्छे से हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करने दें। वही आप जो जागरूक करेंगे वही बीमारी महामारी से हमको बचाएगा। और कहीं ना कहीं हम पूरे भारत देश में, वैसे हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत अच्छे से बचे हुए हैं। अभी हमको इतना नुकसान नहीं हुआ है, और आगे भी चल के हमको नुकसान ना हो इसके लिए हमको तैयारी करनी है। 31 मार्च ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन के लिए हमें तैयार होना है। और सभी बहनों से मैं पुनः आग्रह करूंगी कि आप अपने आप को बचाएं और इस बीमारी और ये बड़ा जो लड़ाई है इससे लड़ने के लिए सब हम तैयार रहेंगे। जैसे ऐसे हमेशा हम तैयार रहते वैसे हम तैयार हैं, और इसको जल्द से जल्द हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से, हमारे शहर से, हमारे भारत से, पूरे विश्व से भगाएंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।